अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। जितने भी मसल को हम डिस्कस करें उस पर ट्रेनिंग्स आ जाती हैं और उनमें परफेक्शन आ जाती है, राइट एंड रॉन्ग आ जाता है। लेकिन आज हम ऐसे मसल को हिट करेंगे जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू है। यस, इंटरनेशनल कह सकते हैं, साइड फैट, बैक फैट, ये साइड वाले जो टायर्स बने होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना तो हम शेप अप कोई टी शर्ट पहन सकते हैं, ना कोई शलवार कमीज पहन सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स में। हम क्या करते हैं, जैसे किसी शीशे के सामने से गुजरते बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ताकि हमारी फैट और हमारी पिक्चर जो है ना अच्छी आए, फैट जो है ना प्रॉपर नज़र ना आए। तो क्यों ना हम इसको कम करें, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, आपने डाइट को फोकस करना है, डाइट में से फैट उड़ा देनी है, ऑयली चीज़ों से आपने दूर रहना है, घर का जो पका है आप वो खाएं। लेकिन ये नहीं कि मैंने घर का पका खाया है तो हलीम भी खा रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी। फिर आपने वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट में साइड फैट, टायर फैट को कम करने के लिए हमें कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको आप घर में भी कर सकते हैं और जिम में आके बिगनर्स कौन सी एक्सरसाइज करना चाहें और कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँ। और इसमें मिस्टेक्स भी, क्योंकि बैक पे प्रेशर ना आए, इन चीज़ों का हम डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले हम वार्म अप करना है। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप हम करेंगे, स्ट्रेचिंग आप करें राइट टू लेफ्ट, हाथों को इस तरह अप एंड डाउन करके देन रोटेट करें, सर्कल करें और बैक साइड पे ना आपने हिट करना है थोड़ा सा प्रेशर के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट। सेकेंड वार्म अप हमने करना है, राइट और लेफ्ट फुट को टच करना है। 1, ये हमें मालूम है लेकिन हम ना फॉलो नहीं करते। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 10 ईच साइड, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10 ईच साइड हो। इतनी रेपिटेशन जो मैंने लगाई है वो नहीं करनी है आपने, प्रॉपर एक 10 रेपिटेशन के साथ आपने करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं ब्रेक के बगैर, वार्म अप में ब्रेक नहीं देनी। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए आपको बार चाहिए, लाइट सी बार इजी मिल जाएगी घर में भी, अगर जिम में है तो वहाँ तो अवेलेबल होगा। बार हम लेते हैं स्ट्रेट। अब इसमें राइट एंड रॉन्ग मैंने बताना है ताकि बैक पे प्रेशर ना आए। मोस्टली लोग मैंने देखा है कि जिम में गलत लगाते हैं। अब इसको हमने परफेक्ट कैसे लगाना है, फर्स्ट बार को आपने बैक हेड रखे, पाँव इतने वाइड करें शोल्डर से आपके बाहर आ जाए, बहुत ज़्यादा आपने वाइड नहीं करना है। फर्स्ट रिब्स एरिया, बैली आपकी टाइट हो, ब्रीथ सर्कुलेशन, सांस आपने शॉर्ट लेना, ये नहीं कि बिल्कुल आपने रिलैक्स हो गया, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना, शॉर्ट ब्रीथ आपने ले, ये परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, तब भी जो है ना ये आपके जो टायर्स जो है ना ख़त्म होंगे। ये चीज़ें फोकस करनी, उसके बाद बार पोजीशन आपने टाइट कर लेनी, चेस्ट अप चेस्ट डाउन नहीं करनी, और मूवमेंट आपने करनी है, पाँव आपके स्टिफ हो, लेग आपकी बेंड ना हो, क्योंकि मैंने ये देखा लेग बेंड है, यूँ आप मूवमेंट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। रॉन्ग में क्या करते हैं, रॉन्ग में आपको 4 to 5 रैप्स लगा के बताता हूँ, ये रॉन्ग ऐसे लो करते हैं। अब इसमें क्या है, आपकी लेग्स भी मूव हो रही हैं, लेकिन जिसको हमने हिट करना है वो तो बेचारा हिल नहीं रहा। अब उसको हिट करने के लिए हमें परफेक्शन चाहिए, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है ये देखिए। राइट पोजिशन, लेग स्टिफ, अपर बॉडी स्टिफ, रिब्स टाइट, चेस्ट अप, और आर्म्स भी आपके स्टिफ। देन आपने मूव करना है, फेस भी राइट अगर जाऊंगा तो राइट जाएगा, अगर लेफ्ट जाऊंगा तो लेफ्ट मूव करेगा, और ब्रीथ आपने आउट करना है राइट टू लेफ्ट। 1, ये राइट पोजीशन है, 2, 3, 4, 5। मैं अगर राइट जा रहा हूँ तो ब्रीथ उस तरफ आउट कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट जा रहा हूँ तो ब्रीथ आउट कर रहा हूँ। क्या जिम में करते हैं कि फेस स्ट्रेट रहता है, इस तरह मूवमेंट करते हैं, ये ठीक है, लेकिन ये हाफ रेंज ऑफ मोशन है, मुझे फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए ताकि ये साइड फैट, टायर्ड्स वगैरह ख़त्म हो, क्योंकि नहीं ख़त्म होते। हम सेंटर से कम कर लेते हैं लेकिन हमारे बेचारे ये जो फैट है, टायर्ड्स है, ये ख़त्म नहीं, इसी को तो हमने हिट करना है।
अब परफेक्शन के साथ लगाना कैसे, फर्स्ट मूवमेंट और इसकी रेपिटेशन मिनिमम होनी चाहिए 40, 20 ईच साइड, 1, 2, 40 टोटल आपने काउंट करना है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे आपने 40 काउंट करने इस बार के साथ। बार कोई भी हो सकती है, आप चाहे वुड की ले लें या वो कोई भी आप नॉर्मल सा पाइप ले सकते, अगर घर में आप कर रहे हैं तो जिम में तो अवेलेबल है। इन परफेक्शन के साथ आप कह रहे हैं विद इन 2 वीक्स टायर कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि आपने डाइट में ऑयल फैटी चीज़ों से आपने दूर रहना, चपाती आप खा सकते हैं, राइस बहुत कम आप कर दें, फिर ये टायर गारंटी के साथ कम होंगे। हमारे पास कोई जादू नहीं है, लेकिन हमने परफेक्शन बतानी है, जादू से ये काम नहीं होते, परफेक्शन से ये काम होंगे। डाइट और परफेक्शन हमने ट्रेनिंग में रखनी, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज में, जिसमें हमें डंबल्स चाहिए। डंबल्स जितने आप नॉर्मली पिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेने। पाँव आपने स्ट्रेट करने, इसको मैं इस साइड से लगा था ताकि प्रॉपर आपको नज़र आए। डंबल्स थाइस के साथ आपने रखने, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखने, ये बैक फैट के लिए, जो साइड पे फैट है ये उसके लिए। और फेस आपका स्ट्रेट होना चाहिए, डाउन ना हो। इसको मैं फर्स्ट राइट लगाता हूँ, फिर आपको रॉन्ग लगा के राइट बताता हूँ। डंबल्स मैंने साइड पे रखे और चेस्ट अप स्टिफ, 1, देन स्ट्रेट, 2, 10 रैप्स इसमें आपने लगाने, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें रॉन्ग क्या करते हैं, पाँव बहुत ज़्यादा वाइड कर दिए, देन ये रॉन्ग जो जिम्स में मैंने देखा है कि लोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं पता नहीं हमारी बैक को क्या हो गया, स्टिफ होगी। 1, 2, हेड मेरा डाउन जा रही है, ये रॉन्ग है। 3, और आपने ये देखेंगे कि मेरी बैक में ना कर्व आ रही है, कर्व नहीं आना चाहिए। 3, 4, 5, ये रॉन्ग है। राइट पोजीशन में परफेक्शन चाहिए, डंबल्स थाइस के साथ, काफ मसल के साथ, देन ये राइट है, 1, ईजी, कोई जल्दी नहीं है हमें, 2, 3, 4, 5, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, और फिर देखें कहाँ जाता है ये टायर, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन डाइट और परफेक्शन के साथ। ये चीज़ें हमारे प्रोग्राम में बताने का मकसद ये कि आप मिस्टेक ना करें, कोई मसल इंजरी ना हो, स्टिफ ना हो, इन चीज़ों को फॉलो करें और ट्रेनिंग करें, गारंटी के साथ रिजल्ट है। अब वर्कआउट हमने करना है साइड्स के लिए प्लैंक शेप में, लेकिन प्लैंक ट्विस्ट हमने करना है। पोजीशन स्ट्रेट आप खोलें, पाँव साथ आपने जोड़ने, बॉडी स्टिफ, देन राइट टू लेफ्ट मूव करने, 1, बॉडी स्टिफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक्सरसाइज बेसिक है टायर्स के लिए, लव हैंडल्स के लिए, बैक पैड के लिए, जिसको आपने फॉलो करना है। और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी करूँ, अब इसको कैसे काम करूँ, इसी पैटर्न के साथ आप इस ट्रेनिंग को करो और रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और मुझे फीडबैक भी देना है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और कोई भी सवाल है अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस आप मुझसे पूछ सकते हैं, डाइट प्लान भी ले सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद। चले, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुश रहें, फिट रहें, और अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा डाइट भी फॉलो करें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।